हेलो फ्रेंड्स, देखें आज हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। आप अगर पहचानते हैं इसे, मेरे पास ये पहली बार खिला है फ्रेंड्स। 2 साल पहले मैंने इसका जो है बल्ब लगाया था, बल्ब से इसे ग्रो किया था और अब जाके इसने फ्लावरिंग की है। 2 साल से मैं इसे वेट कर रही हूँ और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं हटा दूँ, फेंक दूँ, लेकिन फिर ऐसा लगता था कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो एमर लिली इसका प्लांट है फ्रेंड्स ये, और बहुत ही सारे इसमें कलर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। देखें आप, ये मल्टी पेटल्स में है, 3 पेटल है इसकी, 1, 2 और ये एक अंदर वाली है, 3। तो 3 पेटल्स में खिला है ये फ्रेंड्स, 2 फूल इसके खिले हैं, तीसरा भी बाकी है। 3 से 4, 2 भी लगते हैं, 3 लगते हैं, 4 मेरे इसमें 3 लगे हुए हैं और 4 भी लगते हैं इसमें, ज्यादा से ज्यादा 4 ही लगते हैं बस। तो फ्रेंड्स ये बल्ब से ग्रो होता है, तो मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि अगर आप बल्ब खरीदने जाते हैं फ्रेंड्स, तो बल्ब ऐसा लें कि कम से कम 4 इंच का बल्ब हो, जैसे कि एक बड़ी प्याज होती है उस तरीके का बल्ब होना चाहिए। जब मैं अपना ये लगाई थी, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो डाला हुआ है स्पाइडर लिली पर। तो स्पाइडर लिली और ये दोनों ही मैंने एक साथ एक ही गमले में लगा दिया था, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बल्ब थे, 1.5 से 2 इंच के। स्पाइडर लिली का तो और भी छोटा था, इसका बहुत से बहुत 2 इंच का था, तो मैंने एक ही में लगा दिया था कि जब ग्रो होगा तब देखेंगे। तो ग्रो हो गए और 1 से 2, 3 बन गए हैं बल्ब। लेकिन अभी मैंने इसको सोचा कि मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें से एक बीच में से स्टॉक निकल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो कली बनाने वाला है शायद, तो मैंने इसे रोक दिया और फेब महीने में मैं इसे रिपोर्टिंग करने वाली थी। और अब जाके ये आज लास्ट मार्च में खिला है, तो खिल के से 4 दिन हो गए लगभग, 4 दिन से ये खिला हुआ इसी तरीके से, 2 एक साथ खिल गए। अभी मैं तीसरे का वेट कर रही थी, लेकिन उसको अभी खिलने में टाइम लगेगा, तब तक वो खिलेगा तो ये मुरझाने लगेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना देती हूँ आपके लिए मैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जल्दी अपने प्लांट में फ्लावरिंग चाहते हैं, तो आप जब बल्ब लेने जाते हैं तो देख कर लीजिए कि बड़ा बल्ब आप लें, कम से कम 3 से 4 इंच का बल्ब होना चाहिए, तब जाके वो आपके पास आपके गार्डन में जल्दी फ्लावरिंग करेगा। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो ये है, इतनी मोटी इसकी स्टिक निकली हुई है और उसमें जाके इसने फ्लावरिंग। तो देखिए, एक ये है इसकी पत्तियों से बता, ये दूसरा बल्ब ये वाला है, एक ये निकल रहा है, देखें एक ये है, एक ये निकल रहा है और तीसरा ये है, तो ये 3 हो गए हैं, बल्कि चौथा ये है, ये जस्ट इसके बगल से 4 निकल रहा है। और इसी तरीके से ये स्पाइडर लिली का था, ये पतला वाला देखें आप, दिख रहा होगा, ये स्पाइडर लिली का था, इधर बहुत सारे निकले हुए हैं। तो इनको सबको मुझे अलग अलग करना है, डिवाइड करना है, लेकिन बस ये जब मैंने देखा कि इसमें फ्लावरिंग करने वाला है ये, तो फिर मैंने रोक दिया। अब इसे बरसात में करूंगी मैं, पिछली बार भी यही हुआ था कि जब मैंने सोचा था तो इसमें स्पाइडर लिली का फूल निकलने वाला था, तब मैंने रोक दिया कि चलो फरवरी में करेंगे, लेकिन फरवरी में देखा तो फिर मुझे रुकना पड़ा। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो, और कैसा लगा आपको मेरा ये फ्लावर ज़रूर बताएं। और बस आपके साथ में शेयर करना था फ्रेंड्स कि कितना इंतज़ार करना पड़ता है हमको एक एक प्लांट के लिए कि उसमें फ्लावरिंग कब होगी। एक मामूली सा बस ऐसे ही एक कोने में ये पड़ा रहता था। और एक चीज़ और बताऊँ फ्रेंड्स मैं, कि मैं अपने जो है जितने भी मेरे बल्ब वाले प्लांट है ना, मैं उनको कभी अलग नहीं करती हूँ। सर्दियाँ आती हैं, उनको एक साइड में डाल देती हूँ और बस 4-6 दिन में उनमें नमी बनाए रखती हूँ, 4-6 दिन में थोड़ा थोड़ा शावर कर देती हूँ, बल्ब को निकालती नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है निकाल के रखने के बाद ना उसमें फंगस वगैरह लग जाता है तो खराब हो जाता है। तो मैं मिट्टी में ही रहने देती हूँ, गमला साइड कर देती हूँ, पानी नहीं देती हूँ उसमें, कभी कभार दे देती हूँ। तो अगर आपके पास भी इस तरीके से है तो आप यही करिए, ठीक है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये फ्लावर? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।